राधा स्वामी। ये दो शब्द आपने सुने कबीर साहब का और दाता दयाल जी महाराज का, दोनों शब्द आपने भी सुने तो मैं तो थोड़ा चिंतन में चला गया कि कबीर साहब कहते हैं साजन घंटा सुनो अंदर जे करो अंदर वो करो अंदर, ये उन्होंने लिखा है। और इधर दाता दयाल जी कहते हैं आप दया दृष्टि करो, वो दया दृष्टि मांगते हैं किस बात की, राधा स्वामी को मिलने की। अब दोनों महापुरुष बहुत ऊंची स्टेज से बोला उन्होंने, क्या सभी दुनिया इस पर चल सकती है, एक सवाल है, क्या सभी दुनिया जो कबीर साहब ने कहा इस पर चल सकता है कोई, कि घंटा सुनो बांसुरी सुनो अंदर प्रकाश देखो अजय अनहद सुनो, क्या सबके बस में है, एक बात। दूसरी बात, दाता दयाल कहते कि तुम दया दृष्टि करो, ये तो मैं मानता हूँ कि दया के बगैर कुछ भी नहीं है। अब इस चीज़ को दुनिया ने समझ लिया कि जो किसी संत ने हमें नाम दिया है वो शायद हमें परमात्मा को मिला देगा, हम परमात्मा को मिल जाएंगे। कल भी मुझे एक बेंगलोर से फ़ोन आया एक लड़की का, दो बच्चे, मैंने पूछ लेता हूँ कि तेरे बच्चे कितने हैं, शादीशुदा है क्या है, तुम बताओ तो सही पहले, कहती दो बच्चे हैं मेरे महाराज। मैं कहता तू नाम क्यों लिया, किस लिए लिया, मैं परमात्मा को मिलना चाहती हूँ। तो मैंने उसको सवाल किया कि तेरे गुरु ने मुझे बताया, तुम्हें बताया कि मैंने परमात्मा को मिला हूँ, तेरे गुरु ने तुम्हें बताया कि इस नाम के सिमरन से मैंने परमात्मा को पा लिया। अरे परमात्मा को तो कोई माई का लाल आज तक पा नहीं सका था, तू कैसे पालेगी, हैं? बस दुनिया इसी चक्कर में पड़ गई कि वहाँ परमात्मा मिल जाएगा, बस फिर हम तो दुनिया में राजा बन जाएंगे, पता नहीं क्या बन जाएंगे। अब मैं अपने बाबा फकीर जी की बात सुनाता हूँ आपको, फिर मैं सत्संग दूंगा क्या कहूँगा। महाराज जी ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना तप किया, 24-12 घंटे मैंने तप किया, नाम जपा, घंटा सुना, बांसी सुनी, मैं अनहद भी सुना, मैंने वीणा भी सुनी, लेकिन घर आकर मैं फिर फंस गया, मेरे काम क्रोध लोभ मोह नहीं गए, जहाँ तक कह दिया उन्होंने। उस स्टेज पर पहुँचने के बाद भी उन्होंने कहा कि मैंने क्या पाया, और पूछा लोगों को कि तुम भी नाम जपते हो, घंटा सुनते हो, बांसी सुनते हो, जार अनाद सुनते हो, तो तुम्हें बताओ तुम्हें शांति मिल गई, तुम्हारा जीवन सुखी हो गया। यहाँ 27-23 साल के लोग जिन्होंने नाम लिया वो मुझे मिलते हैं, और उस लड़की ने भी कुछ 10 साल हो गए नाम लिया हुआ। मेरी बात समझ गए, एक इंग्लैंड से आता है टेलीफोन, उसने भी नाम लिए हुए 10-15 साल हो गए। सब ऐ इंसान, हर इंसान की जो शरीर है वो अलग अलग है, हमारे शरीर सबके कबीर के शरीर नहीं है, हमारे सबके शरीर बाबा फकीर के शरीर नहीं है, हम सबके शरीर गुरु नानक का शरीर नहीं है, हमारे शरीर कलयुगी शरीर हैं। आज हम जिस देश में रह रहे हैं हमारे अलग अलग शरीर हैं, हमारे शरीर की प्रकृति अलग अलग है, हमारे मन की सोच अलग अलग है, हमारा देखना अलग अलग है, हमारा सुनना अलग अलग है। अब यहाँ कबीर साहब ने कह दिया कि आँख भी बंद कर ला, कान भी बंद कर ला, मुंह भी बंद कर ला, कोई कर सकता है, कोई बताइए तो मुझे बात। कबीर साहब ने 600 साल पहले कहा, उनके कबीर पंथियों को पूछ कर देख लो कि तुम्हारा क्या हाल है, उनका साधारण गृहस्थियों से भी बुरा हाल है, आपस में लड़ते हैं। क्या कहा मैंने, हम इन वाणियों के जाल में ऐसा फंस जाते हैं कि बस गुरु ही है जो कुछ है, बाकी कुछ नहीं, चाहे वो हमारा घर भी भगा दे कोई बात नहीं, हम सब कुछ देने को तैयार हैं, हमें भगवान मिला दे। किसी गुरु को भगवान नहीं मिला, जिसको मिला उसने कह दिया वो बेअंत है, बेअंत है, बेअंत है, बेअंत है। मेरी बात समझ गए आप, तो फिर लेना क्या है, क्यों नाम लें, सत्संग में क्यों जाएं? सत्संग में जाने का राज मिलता है, जीने का राज मिलता है।
इस जिंदगी को कैसे गुजारना है और जिंदगी का मकसद क्या है, सुख प्राप्त करना। जिंदगी का मकसद क्या है, शांति प्राप्त करना। जिंदगी का मकसद क्या, बेफिक्र हो जाना। जिंदगी का मतलब क्या है, निर्भव निर्वैर हो जाना, ना किसी से ना भय किसी को देना, ना किसी से भय लेना। ये है जिंदगी। तो वे तो कब होगी, वे तब होगी जब तुम तो गुरु की बात के ऊपर चढ़ोगे, वैसे नहीं होगी। तो मैं आज आपको खास सत्संग कहने लगा हूँ, वो क्या है, मेरे देश के जितने धर्म हैं वो कहाँ से निकले। ये आज जो हमारे सामने जो धर्म हैं इस वक्त, वो कहाँ से निकले। एक हमारे देश का सबसे पहला धर्म था सनातन धर्म, सनातन। सनातन जो सबसे पहले क्या था, वासना, ख्याल, विचार, उसी से दुनिया पैदा हुई ना। कहते ना, भगवान ने मनु को अपने ख्याल से पैदा किया। अंग्रेज कहते हैं कि यीशुस भगवान ने सबसे पहले एडम को अपने जैसा रूप बनाकर इंसान को पैदा किया। ऐसे ही इस्लाम धर्म वाले कहते हैं, हमारे आदम को, हवा को, आदम को अल्लाह ने पैदा किया और फिर उसके बाद हवा को पैदा किया। ये ऐसा कहते हैं, उसके बाद ये सारी दुनिया हो गई। तो पैदा कहाँ से हुए हम, भगवान के ख्याल से, उस हस्ती के ख्याल से। वो हस्ती जिसको मैं भगवान अब कह रहा हूँ, वो और है, वो माल के कुल और है, इस दुनिया का कर्ता पुरुष और है। मेरी बात को पकड़ो, दुनिया को बनाने वाला और है, और जो उसको बनाने वाला है, उस कर्ता पुरुष को पैदा करने वाला, वो अकाल पुरुष है, वो और अलग है, वो अलग है। या दूसरे शब्दों में मैं कह देता हूँ, इस दुनिया को पैदा करने वाला आ ऊ मा है। उत्पत्ति की हस्ती, स्थिति की हस्ती और प्रलय की हस्ती। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हमारे ऋषियों ने उनके नाम रख दिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीन नाम रख दिए। अब हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर भी ये तीनों हस्तियां हैं। स्थूल रूप में हमारे अंदर ब्रह्मा है, सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर विष्णु है, और कारण रूप में हमारे अंदर में शिव है, वो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये प्रैक्टिकल बात आपके साथ कर रहा हूँ। अब इस दुनिया को सुखमय बनाने के लिए संतों ने तीन शब्द बनाए, कौन से, मन, वचन और कर्म। इनसे शुद्ध रहो, बस तीन बातें, बाकी कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं पता शास्त्रों ने क्या कहा, कहा नहीं कहा। जब ये तीन बातें आपकी ठीक हो जाएंगी, मन की शुद्धि होगी, वचन में नम्रता होगी, प्यार होगा, और कर्म आपका निस्वार्थ होगा, तो तुम्हें मैं समझता हूँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो मैं अनुभव किया है। अब ये तीन बातें जो हैं, कर्म दुनिया में आज भी जो भी कहते हैं, कर्म अच्छा करो जी, कर्म अच्छा करो जी, कर्म अच्छा करो, लेकिन कर्म की जड़ में क्या है, कर्म पैदा कहाँ से हुआ, कर्म हम क्यों करते हैं, किस विचार से करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं तीन बातें आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूँ। दुनिया में सुखी रहने के लिए सबसे पहले अपने मन की शुद्धता को करो। अब मन है क्या, मन पहले सवाल अवसवाल पैदा हो गया, मन है क्या। आज तक किसी ने मन के बारे में नहीं बताया कि मन क्या है। हमारे महापुरुषों ने कह दिया, जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन। ये अटल है गुप्ता जी, ये अटल बात है कि जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा। अब दूसरी बात इसमें से पहले एक और हो गई,
कि हम खाएं क्या, खाएं क्या, हम खाना खाते हैं तो खाना जो हम खा रहे हैं क्या वो हमारा हक हलाल की कमाई है, क्या वो नेक नीति से हमने कमाई की है, जा हमने 420 से की है, जा झूठ बोल कर की है, जा हेरा फेरी करके की है, जा मिलावट करके की है, जा हमने वो पैसा कैसे कमाया। तो आपके सामने नजर आ रहा है कि दुनिया पैसा कमाने के लिए क्या क्या कर रही है। मेरे देश में देख लो, राजनीति में देख लो, धर्म के गुरुओं में देख लो, कहीं भी है हक हलाल की कमाई? कहीं नजर नहीं आती कि कोई हक हलाल की कमाई काके करता होगा। हाँ, जिम्मेदार करता है, जिम्मेदार करता है, क्योंकि वो मेहनत करता है जमीन में, लेकिन वो भी बेचारा क्या करे, उसने भी जमीन में खाद डाल दी, जानवर क्या नाम है, पेस्टिसाइड डाल दिए, इंसेक्टिसाइड डाल दिए, वो भी जमीन को खराब करने लग गया, मजबूरी है उसकी, वो भी क्या करे। तो ढांचा बदल गया, ढांचा खराब हो गया। कौन माई का लाल है ऐसे वातावरण में कबीर की वाणी पर चल सकता है? कौन माई का लाल है जो मन की शुद्धि करके गुरु नानक की बात पर चल सकता है? कौन माई का लाल है जो दाता दयाल जी या स्वामी जी महाराज की बात पर चल सकता है? मैं बड़े कठोर शब्दों से कह रहा हूँ, जब हमारी कर्म ही ठीक नहीं है, जब हमारी कमाई ही ठीक नहीं है, जब हमारा धन ही गलत कमाया गया है, हमारा भोजन ही तामसिक हो गया, हमारा भोजन ही राजसिक हो गया, सात्विकता उसकी खत्म हो गई, तो आपका मन शुद्ध नहीं हो सकता। फिर मन शुद्ध नहीं है तो तुम्हारे ख्याल भी शुद्ध नहीं हो सकते, कभी हो नहीं सकता। जिसने राजसिक भोजन खाया या तामसिक भोजन खाया है, वो अपनी आंखों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो अपनी जबान में भी कंट्रोल नहीं ला सकता, वो अपने कानों के सुनने में भी कंट्रोल नहीं ला सकता, वो गलत चीज़ों को सुनेगा, वो गलत चीज़ों को देखेगा और गलत ही विचार उसके होंगे। क्या कहा मैंने? इसलिए आओ पहले इस बात को समझो, पहले इस बात को समझो, मानवता मंदिर में आए हो, कि मन की शुद्धि कैसे होगी। मन की शुद्धि होगी निर्लेप होकर, निर्मल चित्त दया मन धारो, ये कहा गया संतों ने। निर्मल चित्त कब होगा? जब हमारी आमदनी ठीक है, हक हलाल की कमाई है, जब हमारा खाना ठीक है, हक हलाल का खाना ठीक है, तब जाकर हमारा मन निर्मल होगा और चित्त भी दयालु हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। एक बात, मन। अब आ गया वचन, तो मन ही बेस है हमारा, हमारी जिंदगी को बनाने वाला मन है, हमारी जिंदगी को बनाने वाला, बिगाड़ने वाला मन है, हमारी आंखों में गैरियत पैदा करने वाला मन है, हमारे मन के ख्याल को बदलने वाला मन है, हमें गलत बातें सुनने के लिए तैयार कौन करता है? मन। क्या कहा मैंने? और हमारी जबान भी गंदी तब होगी जब हमारा मन शुद्ध नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? बहुत, आपको बहुत पीछे ले गया हूँ मैं, क्योंकि जिंदगी का बेस ये है, हमारी जिंदगी का बेस मन है। तो पहले मन को देखो कि ये कैसे बनता है, ये मन कैसे बना, क्यों बना, तुम इसके जिम्मेदार हो, तुम्हारी कमाई जिम्मेदार है, तुम्हारा खुराक जिम्मेदार है और इसी पर सारा तुम्हारा जीवन निर्भर है। ये काल, ये माया जो हमारा मन है, ये काल भी है और यही दयाल है। जब आपका कर्म शुद्ध होगा, जब आपकी कमाई ठीक होगी, आपका धन हाथ में आता वो हक हलाल का है, तो तुम्हारा खाना ठीक होगा, तुम विचार और मन भी ठीक होंगे। अगर वो ठीक नहीं है तो तुम चाहे मंदिर के घंटे बजाओ, चाहे किसी देवी देवता को गंगा के पानी से स्नान करा दो, चाहे दिन रात धूप जलाओ और आरतियां करते रहो,
तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पहली बात, मन को शुद्ध करो। दूसरी बात, वचन। हम वचन भी करते हैं और वचन भी एक कर्म है, वचन भी एक कर्म है, एक 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 स्थूल रूप का कर्म है। हाथों से करते हैं, हम मारते हैं किसी को, किसी का कत्ल करते हैं, वो सबसे घटिया कर्म है, वो भी बताऊंगा। और एक है वचन, ये सूक्ष्म कर्म है। हम कुछ नहीं करते, हम अपने जीवन को गुजार रहे हैं, लेकिन हमारी जबान ठीक नहीं है। दो मिसालें आपको मैं पहले शास्त्रों की दे देता हूं और फिर मैं आपको आज के हालात के बारे में भी बोल दूंगा। त्रेता युग में राम जी का अवतार हुआ, त्रेता युग में, और उनके जीवन में बारे में आप सब कुछ जानते हो, कथाएं सुनते हो, बड़ा कुछ रामायण के ऊपर बड़े बड़े भाषण होते हैं, राम की मूर्तियां बनाई जाती हैं, पूजा होती है, वो क्या क्या करते हैं हम आप सबको पता है। अब अगर राम जी के जीवन को देखा जाए और क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जब उनको वनवास हो गया और वो लक्ष्मण जी भी उनके साथ गए, सीता जी भी उनके साथ गई, उनको तख्त पर बैठाना था लेकिन नहीं बना, ग्रह ऐसे हुए, क्या हुआ भगवान जाने। कहते कि कई ने उनको कहा कि अपने राजा को कहा, पति को, कि इनको वनवास दो 14 साल का, मेरे पुत्र को दो, होगा मुझे क्या पता। हुआ क्या कि जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास में रह रहे थे तो वहाँ रावण की बहन आ गई, सुरूपनखा, जो बहुत ही सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, और सुरूपनखा उसका नाम था। उसने आकर राम जी को कहा कि आप बहुत राजकुमार हैं, सुंदर हैं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ऐसा कथा सुनी है मैंने, देखा तो नहीं लेकिन सुना है। तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी तो सीता जी हैं, आप लक्ष्मण जी से बात कर लो। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि वो भी विवाह शादीशुदा है, कहना चाहिए था ना, कहना नहीं चाहिए था। तो उनको उनके पास भेज दिया और वो खरांच गुस्सेदार, और उसने जैसे ही सुना तो उसने उसका नाक ही काट दिया। अब यहाँ सवाल पैदा हो गया, मेरे जैसा दिमाग, कलयुगी दिमाग, कलयुगी दिमाग है ना, कि राम जी ने ऐसा क्यों कहा, एक प्रश्न है। अगर खुद कह दिया कि मैं विवाहित हूँ तो वह ये भी कह सकते कि ये मेरा भाई है, ये भी विवाहित है भाई, तुम कोई और घर देखो। लेकिन कर्म कोई बुरे होंगे उनके, उनको अपने कर्म बुरे होंगे कि ऐसी वाणी उनके मुख से निकली। मैं तो ये कहूँगा, और वो कई राम रावण के पास दिखा दिया अपना, वो शोले हैं वहाँ वनवास में, उन्होंने मेरा नाक काट दिया, और उनके पास एक औरत है, ले आओ उठा के उसको। और रावण भारतीय था, ये आर्य थे, वो भारतीय था, हिंदुस्तान के रहने वाला था। लंका उस वक्त देश के, हमारे देश के अंदर थी, बांग्लादेश हमारा देश था, अफगानिस्तान हमारा देश था, पाकिस्तान हमारा देश था, काबुल कंधार तक हमारा देश था, इतना बड़ा भारत था, महान महान भारत था। तो आगे रावण जी वो महायोद्धा, महाविद्वान, चारों वेदों के जानने वाले, जिनका ज्ञान किसी को भी नहीं था, और उन्होंने देखा कि अब सीता को तो मैं ले जाऊंगा, और उन्होंने छल किया, सोने का हिरण बनाकर भेज दिया। मरीच ऋषि के पास गए कि मेरा काम करना है, तुम्हारा कल्याण मैं कर दूंगा। तो राम जी उनके पीछे चले गए, ऐसा कहते हैं। तो वहां से आवाज आती है, हे राम मुझे बचाओ, लक्ष्मण मुझे बचाओ, ये भी कहा गया है। तो सीता ने कहा, लक्ष्मण
तेरा भाई बहुत कष्ट में है, तुम जाओ उनको छुड़ा कर लाओ, देखो उनको किस क्या हो गया क्या नहीं हो गया। उसने कहा माता मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसको माता कहता था, ऐसा सुना है। आखिर में सीता ने वचन का बाण छोड़ा, वचन मुख से ऐसा वचन कहा उस नौजवान के प्रति जो सीता को माता मानता था और अपनी पत्नी को घर में छोड़कर गया ताकि अपने बड़े भाई की सेवा करे। ऐसा माना गया है कि वो देश का सबसे बड़ा भाई का भक्त था, और जब लक्ष्मण ने इनकार कर दिया माते मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सीता ने क्या कह दिया कि लक्ष्मण मैं समझ गई तेरे मन में खोट है मेरे प्रति, तू इसीलिए आया है। और इससे क्या हाल हुआ होगा, उस लक्ष्मण का क्या हाल हुआ होगा, उस पवित्र लड़के का क्या हाल हुआ होगा, इसके बारे में किसी ने कोई अनुमान नहीं लगाया। और सीता की वो ताकत जिसको कहते हैं धनुष उठाकर उसके नीचे सफाई कर देती थी, वो खत्म हो गई और रावण उसको उठाकर ले गया। मेरा कहने का भाव क्या है कि सीता ने वचन से ऐसा बुरा कर्म किया कि सारे का सारा हिंदुस्तान का इतिहास ही बदल गया। रावण से युद्ध हुआ, सब लोग मारे गए, और अंत में राम और उनके सीता जी का क्या हुआ वो भी आप सबको पता है। क्या कहूँ मैं, आप वो राम जी इतने दुखी हुए जिंदगी में, इतने बरलाप हुए कि सरजू नदी में जाकर उन्होंने छलांग लगा दी और सीता जी धरती में चली गई। अब आप तुम सोच लो, हम घरों में कितना मीठा बोलते हैं, हमारी घरों में आपस में कैसी बातें होती हैं, हमारा क्या सोच है। आज भारत के परिवारों के परिवार नष्ट हो रहे हैं, सास बहू की नहीं बनती, बहू सास की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, और जहाँ कहते हैं भाई भाई, उनका इतना प्यार था, क्या उसका लेश मात्र भी इस भारत में आज देखने को नहीं मिलता। भाई भाई को कत्ल कर रहा है, भाई भाई के अगेंस्ट दावे कर रहा है। तो मुझे तो लगता है कि ये कहानी होगी, अगर सत्य होता तो देश में उसकी कोई ना कोई लेश मात्र भी कोई ना कोई असर का असर होना चाहिए था, जो कहीं देखने को नहीं मिलता है। क्या कहा मैंने गुप्ता जी, आप अपने घरों में मुख पर कंट्रोल करो, मन पर कंट्रोल करो, अपनी जबान पर कंट्रोल करो। दाता दयाल जी की कहानी निकालो, शब्द मीठी वाणी बोलो, मुख से मन रहे निर्मल शुद्ध श्री। दूसरा कहानी आपको महाभारत की भी सुन लो। महाभारत में द्रौपदी ने क्या कर दिया, जब अपने घर में नए महल में गृह प्रवेश करना था, सबको बुलाया, कौरवों को बुलाया, बड़े बड़े राजों को बुलाया कि मैंने महल बनाया है, आइए आप, और फर्श ऐसे बढ़िया बना दिए कि पता नहीं लगता था ये पानी है कि फर्श है, इतना लिखा हुआ है महाभारत में लिखा हुआ आपके। तो वो दुर्योधन आया और वो बेचारा वही देखा उसने, और पता नहीं था पानी में, वहाँ पाँव फिर गया और गिर गया, तो द्रौपदी ने क्या कह दिया, अंधे की औलाद अंधी, ये कोई भी राजा नहीं सुन सकता, ये कोई भी बेटा अपने पिता के बारे में नहीं सुन सकता, आज भी नहीं सुन सकता, माँ के बारे में नहीं सुन सकता, बाप के बारे में नहीं सुन सकता। तो कैसे सुन सकता था दुर्योधन कि मेरे पाप को अंधा कहा इसने, मैं इसका बदला लूँगा। और तुम तो महाभारत की कहानियाँ सुनते हो, क्या लेना कहानियों से, क्या लेना। आज क्या हो रहा है, आज क्या आज महाभारत में महाभारत नहीं है, भारत में आज भी भारत में महाभारत चल रहा है, घर घर में महाभारत हो रहा है, समाज में महाभारत हो रहा है, प्रांतों में महाभारत हो रहा है, सेंट्रल और स्टेट्स का आपस में झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं देखो तो सही, आप सोचो जरा।
आज के इतिहास को देखो जरा क्या हो रहा है, क्योंकि हमने अपने संतों की, अपने महापुरुषों की शिक्षा को खत्म कर दिया, हमने उनको बंद कर दिया, सिर्फ ड्रामेबाजी रह गई है, राजनीति बन गया है मेरा धर्म देश का। जिस मर्जी धर्म की नाम ले लो, वो आए तो थे हमारे जीवन को बनाने के लिए, लेकिन बगाड़ दिया। इकबाल एक बहुत उच्च कोटि, बहुत बड़े उच्च कोटि के वो हुए, कवि हुए हैं, मुसलमान कवि। उन्होंने भारत के आज़ाद होने पहले से एक कविता बहुत प्यारी लिखी थी, हम हिंदुस्तानी हिंदुस्तान हमारा, ऐसा कुछ है। फिर उन्होंने एक लिखा था, मजहब ने ही सिखाता आपस में बैर रखना, ये लिखा हुआ उन्होंने कि मजहब धर्म हमें आपस में बैर करना नहीं सिखाता, लेकिन अब हो क्या रहा है इस देश में, सबसे झगड़ा जितना भी वो धर्म का है, धर्म का झगड़ा है और कुछ भी नहीं, सब अपने अपने तरफ आपको खींच रहे हैं। आप मैं यूं कहूँगा, ए इंसान, तेरा गृहस्थ का जीवन, तेरा अपना परिवार सबसे बड़ा डेरा है। मेरी बात को नोट करो सुनने वालों, तेरा अपना घर, तेरा अपना परिवार, चाहे 5 सदस्य हैं, चाहे 2 सदस्य हैं, चाहे 10 सदस्य हैं, तुम्हारा ही घर सबसे बड़ा भगवान का मंदिर है। तेरा अपना ही परिवार, तेरा अपना ही घर, तेरा अपना ही गांव सबसे बड़ा डेरा है। तेरे पास ही सब मांगने को आ रहे हैं, तुम्हारा ही धन सब लूटने के लिए तैयार हैं, सब तुम्हें लूट रहे हैं। तुम क्यों लूट रहे हो, तुम्हें उस लूट से क्या आनंद मिलता है? तुम अपने बच्चों का पेट काट काट कर इनको देते हो। तुम्हें अभी मेरे बेटे ने बताया कि गुरु 1 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी में आया और लोगों से पैसा लिया दर्शन देने के लिए। ऐसा गुरु जो क्या करता है, किस लिए इतना पैसा इकट्ठा करता है, और तुम्हें जूता भी नहीं पहनने के लिए रहने देता पैसा, कि तुम जूता ही पहन लो, और वहाँ लिख दिया नंगे पैर ही आओ गुरु का दर्शन करने के लिए। नंगे पैर ही तेरा भगत आया, वहाँ नंगे पैर ही जाओ, लेकिन जो बाकी पैसे उनको दे आओ। तुम रहो भूखे मरो जो मर्जी करो, लेकिन उनका डेरा पता होना चाहिए। मैं बहुत दर्द दिल से कह रहा हूँ, किसी ने तुम्हें भगवान नहीं दिखाना, वो कहाँ रहता है? वो तुम्हारे अपने अंदर है, वो माल के कुल की अंश तुम्हारे अपने अंदर है, उसको ढूंढो, कहीं मत जाइएगा। तुम्हारा शरीर ही मंदिर है, तुम्हारा शरीर ही गिरजाघर है, तुम्हारा शरीर ही मस्जिद है, तुम्हारा शरीर ही सब कुछ है। क्यों कहा शास्त्रों में, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मंड में देवी देवता अगर हैं तो इस शरीर में भी हैं। अगर ब्रह्मंड में गंगा है तो मेरे शरीर में गंगा ये है, दाया सांस मेरी गंगा है, बाया सांस मेरी जमुना है, और मेरा सात्विक ख्याल, मेरा सात्विक विचार, मेरा शुद्ध विचार, मेरा देशभक्त, देश के लोगों के लिए मेरा सत्कार, जा उनका भला मांगना, वो मेरा सात्विक विचार है, वो मेरे यहाँ से सीधा ऊपर जाता है। क्या कहा मैंने, तुम्हारे अंदर ही गंगा है, तुम्हारे अंदर ही सरस्वती है। सरस्वती कौन कहाँ बहती है, कहते वो नज़र नहीं आती। शास्त्रों ने लिख दिया सरस्वती क्या है, हमारे अंदर सुषुम्ना नाड़ी जो है वो सरस्वती है, जो मूलाधार से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी से होते हुए दिमाग से यहाँ आती है, और जब यहाँ से सांस और यहाँ से सांस कच्चा चलते हैं तो जहाँ त्रिवेणी बन जाती है। तुम्हारे अंदर ही तो कुंभ लगता है, तुम्हारे अंदर ही तो स्नान होते हैं, तुम्हारे अंदर ही तो ज्योति है, तुम्हारे अंदर ही हवन है, उसमें अपने बुरे ख्यालों को जला दो, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। उसमें अपनी ईर्ष्या द्वेष नफरत खत्म कर दो, यहाँ जाओ, यही तो आपकी गायत्री मंत्र क्या कहता है, ओम भूर्वा स्वा महाजन तपा सत्यम। क्या इंसान, तेरे अंदर ही
एक सूरज की रोशनी है, उसको अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। क्या आज सनातन धर्म में कहीं गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं? क्या 9 साल के बच्चे को अजगोपवीत बनाया जाता है? कहीं नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है। सनातन धर्म को ग्रहण लग गया, सनातन धर्म को ख़त्म कर दिया गया, और इसीलिए क्योंकि इनमें कमजोरियां आ गई, वहां से बुद्ध मत पैदा हुआ, वहीं से जैन मत पैदा हुआ, वहीं से हमारे क्या नाम था जिन्होंने आर्य समाज लाया, स्वामी दयानंद जी महाराज, उन्होंने भी इनको छोड़ दिया पीछे, जाओ तुम भी ठीक नहीं, उन्होंने अपना आर्य समाज बना दिया। मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए ये कमजोरी है, और उस कमजोरी को दूर करने के लिए राधा स्वामी मत आया। राधा स्वामी मत में वो ही कुछ लिखा है, वो ही ज्ञान है जो सनातन धर्म के आखिरी किताब जो है उसका नाम है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण को पढ़िए और इधर संतों की वाणी को पढ़िए, दोनों का एक मेल है। क्योंकि सनातन धर्म खत्म हो गया था इसलिए स्वामी जी महाराज का अवतार हुआ, उन्होंने इसको दोबारा पैदा किया है, और इसलिए मैं आपको ये कर्म की फलसफी बता रहा हूँ। मन वचन, वचन ही सबसे ज्यादा कटार है। कहते हैं ना, बुजुर्ग कहते थे कि तलवार से काट दो तो जख्म पूरा हो जाएगा, लेकिन जबान से कहा हुआ जख्म कभी भी पूरा नहीं होता। दाता दयाल जी महाराज इस वाणी के ऊपर कुछ कहना चाहते हैं, सुनो क्या कहते हैं, बोलो। दाता दयाल महर्षि सुब्रतलाल जी महाराज मेरे दादा गुरु कुछ हमें समझा रहे हैं कि हमारा वचन हमारे लिए कितना ज्यादा नुकसान पैदा कर सकता है और कितना ज्यादा लाभ दे सकता है। सुनो, मीठी वाणी बोलो मुख से, मन रे निर्मल शुद्ध शरीर। बहुत ऊंची बात कही है। कहते हैं मुख से मीठी वाणी बोलो, उससे क्या होगा, आपका मन शुद्ध होगा और शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। जब आदमी क्रोध में बोलता है, जब बुरे शब्द कहता है, उस वक्त उसका चेहरा देखो, वो बदला हुआ होता है, उसके चेहरे में आग लगी होती है, उसके शरीर का खून दौरा ज्यादा बड़ा होता है, तो फिर शरीर कैसे शुद्ध रहेगा, नहीं रह सकता। एक आदमी प्यार की बात करता है, बहुत प्रेम से बोलता है, उसका शरीर नॉर्मल रहता है, शुद्ध रहता है, हार्ट की पल्पिटेशन भी ठीक रहती है। क्रोध वाले आदमी के जहाँ हाथ रख के देखो, धक 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 होती है, वो ठीक नहीं होती। तो इसलिए क्रोध तो सबसे बड़ा बुरी बात है, ये गुस्सा जिसको कहते हैं, क्रोध गुस्सा, और इसके भी 4-5 रूप हैं, तुम उनको इस्तेमाल कर लो। गुस्से में आए, तलवार उठाई, गलाई काट दिया, चल इससे बड़ा तो और कोई पाप हो ही नहीं सकता। गुस्से में करते हैं जो कुछ करते हैं, बाद में पछताते हैं कि मेरे से गलती हो गई, अब क्या करें, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर क्या होगा। गुस्सा आंख से भी दिखाया जा सकता है, खबरदार जब दोबारा काम किया तो। बात समझ गए, प्रेम के साथ भी समझाया जा सकता है, थप्पड़ दिखाकर भी समझाया जा सकता है, फिर लिख कर भी बताया जा सकता है। ये गुस्सा ही है ना, किसी का कैरियर खराब करना, लिख दो चल ही इज ए बैड करेक्टर, उसकी प्रमोशन ही बंद हो जाएगी, उसको आगे नौकरी नहीं मिलेगी, खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ गए, लेकिन कौन सुनता है गुरुओं की वाणी को, कोई नहीं सुनता। मैं तो एक दिन कोई दिखा रहा था टीवी पर, वे दो सरदार ही गुरुद्वारे में लड़ रहे हैं, किताब निकाली कृपाना निकाल ले बा, वो क्या लिखा, वहाँ तो कुछ लिखा है, वह वाणी में तो लिखा है कि प्रेम से रहो भाई, जिन प्रेम की हो तिन ही प्र पायो, कहाँ रहा प्रेम।
कोई नजर नहीं आता मुझे। मंदिरों में पंडित लड़ते हैं चढ़ावे के लिए, ज्ञानी भी लड़ते हैं चढ़ावे के लिए, कहाँ जाए आदमी। और गुरुओं का अपना एक स्टैंडर्ड बन गया, जितने ज़्यादा नाम दो जितनी ज़्यादा संगत उतना बड़ा गुरु, उतनी बड़ी गाड़ियाँ, उतना बड़ा सब कुछ हो जाएगा। क्या हो रहा है देश में? ये करो जो दाता दयाल कहते हैं, मीठी वाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर, तंदुरुस्त रहोगे भाई, उम्र लंबी हो जाएगी भाई, तुम बहुत सुखी रहोगे, तुम्हारा परिवार भी सुखी रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? आगे चलो। मीठी वाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। हाँ, आगे कड़वा वचन कले जा बेदे, हिंसा की तलवार। कहते कड़वा वचन क्या करता है? कलेजे में लगता है, दिल में पहुंच जाता है, दिल में। और ये हिंसा की कटार है, हिंसा होती है जो किसी को ख़त्म कर दे, ये हिंसा की कटार है। देखो सही, तुम अपने घरों में देखो, मैं क्या कहूँ, अपने घरों में देखो क्या नहीं हो रहा है। मैं कहूँगा अगर कोई माता, अगर कोई माता बच्चे को गोद में लिया हुआ है और अंदर उसके कुछ जिद है अपने पति के खिलाफ, ये नहीं करता वो नहीं करता वो नहीं करता, जिद्दी हो जाती है औरत, और बच्चे को दूध पिला रही है, उसका बच्चा बड़ा होकर भी जिद्दी ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर वो गुस्से में दूध पिला रही है बच्चे को, तो वो बच्चे को गुस्सा दे रही, गुस्से का राशन दे रही है, वो बच्चा भी बड़ा होकर गुस्सा करेगा। अगर वो पत्नी अपने पति का कहना नहीं मानती, अपनी मनमर्जी करती है और बच्चा गर्भ में है या बच्चा दूध ले रहा है, तो वो बच्चा भी आगे को कहना नहीं मानेगा। मेरे पास कई दफ़ा ऐसी औरतें आ जाती, बाबा जी ये जिद बड़ी करता। अब उसको क्या कहूँ कि तू नहीं करती थी जिद? ये कहना नहीं मानता। मैं पूछता तू कहना मानती थी? हम खुद बीज बोते हैं अपने बच्चों में। इसलिए मेरे बाबा की ने कहा, इस देश को, इस समाज को कोई गुरु, कोई नेता नहीं सुधार सकता। ना कोई सरकार सुधार सकती है, ना कोई नेता सुधार सकता है, ना कोई गुरु सुधार सकता है, ना कोई संत सुधार सकता है, ना कोई डेरे का मालिक सुधार सकता है। इस समाज को, इस आने वाली पीढ़ी को माता सुधार सकती है। माता, मदर इज द मेकर ऑफ द नेशन। माता ही इस देश को बनाने वाली है। बड़े बड़े कॉलेज खुले हुए हैं, बड़े बड़े अस्पताल खुले जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बीमारियां पैर क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमारा खाना बिगड़ गया, हमारा मन बिगड़ गया, हमारी सोच बिगड़ गई और हमारी रैली बिगड़ गई, इसलिए ये बीमारियों तो आएंगी आएंगी आएंगी, कोई रोक नहीं सकता। क्या कहा मैंने? कोई नहीं बताता शास्त्रों में नवविवाहित औरतों का आगे क्या होता था। शादी हो गई, सावन के महीने में शादी नहीं होती थी, नहीं होती थी ना, सावन के महीने में शादी नहीं होती थी, क्योंकि सावन और ये भादों के महीने में हमारा खून पानी हो जाता है, इसमें परिवर्तन आता है बॉडी में। जैसे प्रकृति में परिवर्तन होता है, वैसे हमारे शरीर में भी परिवर्तन होता है। इसलिए पत्नी पत्नी को इकट्ठा नहीं रखा जाता था, मेके भेज देते और कहते थे ये काला महीना आ गया। आपको तो पता होगा काला महीना आ गया, बहू नहीं कर रहनी होते माँ प्या दे जाएंगे दो महीने के लिए। अब वो है, अब वो भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया। बच्चे ने जन्म लेना होता था, उसको बेखे भेज देते थे माँ के पास, तो वहाँ बच्चा पैदा होता था, कहा कि पत्नी पति इकट्ठे ना रह सके। अब कहाँ, तो आज शादी हुई, कल मैंने हनीमून जाना है। कहाँ जाना हनीमून जाना है, मून का ही है नहीं। बात समझ गए मेरी को, मैं बड़े दर्द दिल से बात कर रहा हूँ। इसलिए मेरी माताएँ, मेरी बहनें बैठी हैं,
आपसे कह रहा हूँ अपने घरों को स्वर्ग बना लो। मैं जो बाहर से मुझे लड़कियों के टेलीफोन आते हैं, बात होती हैं, मैं उनको कहता हूँ ये छोड़ दे तू, क्या नाम ये करना, क्या कहती, मैं इतने बजे उठकर बैठ जाती हूँ, मैं कह इसको छोड़, बच्चों को संभाल, अपने पति की सेवा कर, इन बच्चों को रहना सिखा, इनको पढ़ना सिखा, इनको अच्छी शिक्षा दे, यही तेरा कर्म है। और तेरा पति जो कर्म करेगा, नेक रीति का कर्म करेगा, उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिल ही जाएगा। अगर वो भक्ति करता है तो भी आधी तुम्हें मिल जाएगी, ऐसे कहा गया ना शास्त्रों में। पत्नी को अर्धांगिनी माना गया है कि तुम्हारी कमाई अच्छी कमाई, जो अच्छी कमाई है उसकी अधिकार है वो आधा, बुरा कर्म तुम्हें ही भोगना है, वो नहीं लेगी। ये भी बता देता हूँ, ऐ इंसान तू बुरे कर्म का खुद जिम्मेदार और अच्छे कर्म का आधा हिस्सा तेरा, आधा हिस्सा तेरी पत्नी ले जाएगी। अब तूने देखना कि तूने क्या करना है। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। दाताजार कहते हैं अपनी जीभ में तलवार, छुरी और भाला क्यों रखा हुआ है? कहीं छुरी का काम करते हो तुम अपनी जुबान से, कहीं भाला ठोक देते हो और कहीं कटार से काट ही देते हो किसी को। आहा, क्या बात कही दाता दयाल आपने, बलहारे जाऊं आपकी वाणी के, लेकिन कौन समझेगा तुम्हारी वाणी को। यहाँ तो वही ही कामयाब है जो ज्यादा ऊंचा बोलता है। और कहूं कुछ ऐसे लोग हैं जो मीठी वाणी तो बोलते हैं लेकिन मतलब के लिए बोलते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। बड़ा मीठा बोलेंगे आपके साथ ताकि तुम उनकी चंगुल में फंस जाओ। तुम्हें मैं अपनी एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे कुलीग थे, बड़ा ही मीठा बोलते थे, वाह 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 वाह, ये समझ लो तुम कहना पे देश भर का तो चंगा बंदा ही कोई नहीं। वो जहाँ काम करते थे वहाँ वो पढ़ाते कम थे, पढ़ाते नहीं थे, ज़्यादा नेतागुरी ज़्यादा करते थे। मेरी ट्रांसफ़र उन वहाँ से हमीरपुर से, मैंने कहा किसी को, मैंने किसी को कहा अपने दोस्त को, भाई अब मेरे हमीरपुर 12 साल हो गए, अब मेरे बदल लेना चाहिए मुझे अपना स्टेशन। तो मैंने कहा ऊना बहुत नज़दीक है, होशियारपुर बिल्कुल नज़दीक है, हर हफ्ते बाबा जी के दर्शन कराया करूँगा, मंदिर जाया करूँगा। वहाँ हमीरपुर से 3 घंटे लगते थे बस में और 2 घंटे लग जाते थे स्कूटर में, मेरे पास स्कूटर होता था तब। तो मेरी ट्रांसफ़र जहाँ हो गई, जिसके अगेंस्ट मेरी ट्रांसफ़र हुई वो वही आदमी था जो बहुत मीठा बोलता था, बहुत मीठा बोलता था। और उसको पता था कि मैं आज पहली बस से ऊना हमीरपुर से ऊना आऊँगा कॉलेज में, तो वो पहले ही घर से कार लेकर रास्ते में खड़ा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, रास्ते में खड़ा और मुझे दूर से देखकर रास्ते से आ गया मेरे पास। कमल जी देखो मैं आपके लिए इंतज़ार कर रहा था और आपकी पापी ने सुबह से ही नाश्ता तैयार किया हुआ है, पहले घर चलते हैं और पहले नाश्ता करना फिर कॉलेज जाना। मैं समझ गया सारी घर, मैं जानता था उसको कि ये नाश्ता नहीं कराना, इसने मेरे नाल कोई और खेल खेलना, मेरी बात समझ गए। मैं कहा साहब ऐसा है, मैंने सबसे पहले ड्यूटी ज्वाइन करना है, कॉलेज में जाना है, नाश्ता मैं घर से करके चलता हूँ, चाहे 4 बजे चलूँ चाहे 3 बजे चलूँ, मैंने कुछ न कुछ ज़रूर खाना होता है, खा के चलता हूँ घर। कहते हैं ना बुजुर्ग, घर से जाइए खा के बाहर मिलन खा के, कभी पेट खाली घर से नहीं निकलता मैं कभी भी। अच्छा नहीं नहीं, मैं तो आपको लेने आया था। मैं कह नहीं, मैं तो पैदल जाना भाई, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं तो पैदल जाऊंगा। तो मुझे बाद में पता चला कि उसने मुझे ज्वाइन ही नहीं करने देना था कॉलेज में। मुझे ज्वाइन ही नहीं करने देना था, उसका ऐसा प्लानिंग थी।
लेकिन मैं नहीं माना। ऐसी मीठी वाणी लोग बोलते हैं और मीठी वाणी बोलकर आपसे पैसा भी लेते हैं, उधार भी लेते हैं, फिर जब ले लिया तो फिर तुम्हारे साथ आंख नहीं मिलाएंगे। ये होता है दुनिया में, तो कहीं ऐसी मीठी वाणी बोलने वालों के चक्कर में ना फंस जाना। उसको पहले अंदर से देखो कि ये कहे क्या, क्यों ऐसा बोल रहा है, क्या मतलब है इसका कोई। ये दुनिया मतलब दी कोई ना किसे दा बेली, असी छोटे छोटे हुंदे सी गाया करदे सी, दुनिया मतलब दी कोई ना किसे दा बेली, कोई किसे दा साथ नहीं दिंदा। जिन्हें तक मतलब है, तुहाडा दोस्त है, तुहाडा मित्र है, कोई भी है, वो मतलब के लिए है। सारा खेल मतलब का है। आगे चलो। उनमें सारे सुन कर सुनने वाले दुखी बने दिलगी। और तुम्हारी जो बात तुम करते हो क्रोध में आकर, वो सुनकर अगला भी बहुत दुखी होता है। ना दुखी हो तो वो ईंट का पत्थर से जवाब देगा। मेरी बात समझ गए? अगर वो दुखी नहीं होने वाला, चुप नहीं रहने वाला, तो तुम एक गाली दोगे वो दो देगा, तुम एक छोटा मारोगे वो दो मारेगा, फिर तीन मारोगे, फिर वो भी कोर्ट में और तुम भी कोर्ट में जाओगे। कहाँ से, किस बात से? इस जबान के कारण, इसी जबान ने तुम्हें मारा है। इस दुनिया को अगर कोई तबाह करने वाला शब्द है, बंदूक तेज से तेज बंदूक है, कोई तेज से तेज बाण है, तो संतों ने कहा कि जबान से निकला हुआ शब्द और कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली कभी भी वापस नहीं आती, बल्कि उसके मुकाबले में वहाँ से वापस गोली आती है। गोली मारोगे गोली ही आएगी। क्या कहा मैंने? जैसा कर्म कमाओगे वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, ये तो मिलकर रहेगा, क्योंकि ये कर्म फिलोसफी है, कर्म फिलोसफी है। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जसकीन तैसो फल रखा। ये कबीर साहब ने कहा, कर्म गति टारे नहीं टरे। कर्म क्या है? वचन भी कर्म है, मन का सोचना भी कर्म है। मन का सोचना तो सबसे ज्यादा कर्म बुरा है, क्योंकि जो कुछ भी हम सोचते हैं, विचार करते हैं अकेले में बैठकर, अच्छा या बुरा, वो ब्रह्मांड में जाता है, वो ब्रह्मांड में जा रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसा ख्याल तुमने किया हुआ है, उससे 10 गुना वहाँ से वापस आएंगे आपके पास। क्या इसलिए संतों ने कहा, हमें शिव संकल्प मस्तु, हमारी संस्कृति कहती है, हमारा सनातन धर्म, शिव संकल्प मस्तु, हमेशा अच्छे विचार रखो, थिंक पॉजिटिवली, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। जितना तुम दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे, तुम्हारा उतना अच्छा होता जाएगा। जितना तुम दूसरों के बारे में बुरा सोचोगे, उतना तुम्हारा भी बुरा होता जाएगा। ये कुदरत का कानून है, इस हाथ दोगे इस हाथ लेना पड़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। कोई संत नहीं बचा, कोई ऋषि नहीं बचा, कोई महात्मा नहीं बचा, कोई राजा नहीं बचा, कोई रंक नहीं बचा, तो हम कलयुग के प्राणी हम कैसे बच सकते हैं? हमारे बचने का केवल एक ही रास्ता है कि आओ हम अपने मन, वचन और कर्म को ठीक करें। और इनकी जड़ किस में है? तुम्हारे अपने संकल्प में है। इसलिए इसको कहा गया है, ये संसार संकल्पमय है, विचारमय है। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति तैसी गति, जैसी करनी तैसी भरनी। क्या कहा? ये संतों की वाणी में आपको कह रहा हूँ, लेकिन क्या हम इस पर चलते हैं? ये सवाल है, इसके ऊपर विचार करो। आगे चलो। मुंह तो बना भयानक बावी, निकले बिच्छू सांप। सांप जो होते हैं वो बम भी बनाते, मिट्टी का घर बना लेते हैं। वैसे वो आप नहीं बनाते, मैं आपको शायद पता है,
उसको एक सेवक होती सेवक मिट्टी की, वो सेवक बनाती सेवक जानते ना, जो मिट्टी जो हमारे मकान के जो दरवाजे खिड़कियाँ उनको भी खा जाती मिट्टी बना देती है, वो मिट्टी का घर बनाती है और सांप उस सेवक को खाता है, सांप जो है वो उसको खा लेता है और उसमें भी अपना घर बना लेता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इनमें बिच्छू भी रहते हैं और सांप भी रहते हैं और दूसरे जानवर भी रहते हैं, उनको खा जाते हैं, इन चींटियों को खा जाते हैं। तो वो कहते हैं तुम्हारा मुंह जो है तो बाम्बी बना हुआ है, बाम्बी जानते हैं ना, जिसमें खेतों में हमने तो देखे बड़े बड़े हमारे खेतों में मिट्टी के ऐसे ऐसे घर बने होते थे, उसमें ये चूट यही होती थी सेवक लगी हुई, तो उसमें सांप रहते हो। कहते तुम्हारा मुंह तो बाम्बी बना हुआ है जिसमें बिच्छू भी रहते हैं सांप भी रहते हैं, दोनों डसने वाले हैं, दोनों डसने वाले हैं, इसको बाम्बी मत बनाओ, क्या करो आगे पढ़ो। मुंह तो बना भयानक बाम्बी निकले बिच्छू सांप, दस दस खाए घाव कर समझे पाप। अपने अपने आप विचार करो तुम लोग क्या करते हो, मेरे कहने की क्या बात है, मैं नहीं कहता, मैंने सुना है लोगों को अपशब्द बोलते हुए, मैंने सुना है लोगों को कड़वे शब्द बोलते हुए, मैंने देखा है घरों को तबाह होते हुए इन्हीं बातों के कारण के आपस में भाइयों की नहीं बनती, भाइयों को आपस में लड़ाने वाले लोग बैठे होते हैं। मैं उनको कह देता हूँ तुम तीसरा आदमी अगर आप में आ गया ना, दो भाई आपस में कोई बात कर रहे हैं, तीसरा अगर उनमें को आ जाएगा दोनों को अलग अलग कर देगा, वो समझाता नहीं कराता, कभी नहीं कराएगा कि तुम सके भाई हो, वे प्रेम से रहो, नहीं नहीं मैं तू ये कर ये ऐसा कर रहते हैं। नारद मुनि हैं मेरे देश में बहुत ज़्यादा, नारद मुनि जानते ना, इधर भी आग लगाते हैं इधर भी आग लगाते हैं और खुद तमाशा देखते हैं। मैं क्या कहूँ आपको, मेरा देश आज बहुत गंभीर स्थिति में जा रहा है, तुम लोग अभी महसूस नहीं करते हो, मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा भारत बहुत बर्बादी की ओर जा रहा है और इसको संभालने वाला कोई नज़र नहीं आता, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। धार्मिक वाले कहते हैं हमारा देश, धर्म वाले कहते हैं हमारा देश, जातियों वाले कहते हैं हमारा देश, धन वाले कहते हैं हमारा देश, किसका देश है ये, मुझे तो समझ नहीं लगती कि ये देश किसका रहेगा, क्या ये कभी भारत के लोगों का भी देश बनेगा। ये तो लड़ाई हमने अंग्रेजों के साथ ऐसे लड़ी थी कि ये हमारा देश है, तिरंगे का देश है, भारत का देश है, हमारा सबका देश है, सभी धर्मों का देश है, सभी जातियों का देश है, सभी संस्थाओं का देश है, लेकिन क्या बताऊँ जो सुनते हैं उनको सुनकर थोड़ा दुख हो जाता है। तो उसके आगे प्रार्थना करता हूँ, क्या प्रार्थना करता हूँ, आग लगी आकाश को जल जल गिरे अंगार, जो ना होते संत जन जल मरता संसार, पुरुष जे महापुरुषों की कृपा है, हमारे गुरु महाराज हमारे महापुरुषों की कृपा है कि अभी भी बीज नहीं समाप्त हुआ, बीज रहेगा और ये पनपेगा और एक दिन ये मानवता का झंडा ही दुनिया में लहराएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, आगे चल रहा हूँ। प्राणी कुछ तो सोचे समझे मन, अपने देना पीर दे पीर, कहते दूसरों को पीर मत दे, दूसरों को दुख मत दे, तुम्हें भी कोई दुख देने वाला आ जाएगा, दुख दोगे, दुख दाता दयाल जी महाराज ने बहुत प्यारा शब्द लिखा है, ऐ मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, बुरे कर्म न करना बुरी बात न कहना, ऐसा लिखा हुआ, दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, मारोगे घर किसी को तो गम पड़ेगा सहना, ये तो क्लियर है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती, यही कहते हैं।
अगर ऐ इंसान तू दूसरे को दुखी देखकर खुश मत हो। देखने में क्या आता है, अगर कोई दुखी है तो उसका विरोधी बड़ा खुश होता है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये बहुत अच्छा हुआ इसके साथ, अच्छा ऐसा देखा मैंने। ऐ इंसान किसी के दुख को देखकर तू खुश ना हो, क्या पता तेरे साथ कल को क्या होगा, तुझे भी देखकर कोई ना कोई जरूर खुश होगा। किसी को दुखी देखकर खुश ना हो और किसी को सुखी देखकर दुखी मत हो। देखने में क्या आया, तुम सुखी हो तो तुम्हारा विरोधी बड़ा खुश होता है, दुखी होता है, आए इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, इसके लड़के इतने किसे होनहार हो गए, इसकी लड़की को शादी कैसे बढ़िया हो गई, दुखी होते हैं। तुम सुखी हो तो वो दुखी है, तुम दुखी हो तो वो सुखी है। ये दुनिया का व्यवहार है आज जो देखने में आया है। यही दाता दयाल कहते हैं, ओ बेपीर मत बनो भाई, किसे गुरु वाले बनो, किसे संत वाले बनो, तो उन्हें पता लगे हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। इस जीवन कितना जीवन है, मुसाफिर हैं हम, जहाँ सदा रहने के लिए तो आए नहीं हैं, जो आया वो जाएगा, तो जितना समय मिला इसको भलाई से गुजारो, खुशी से गुजारो, प्रेम से गुजारो, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे की मदद करो, गरीब की मदद करो, पढ़ने वाले बच्चों की मदद करो, सहारा बनो किसी का, बजाय इसके कि तुम उसका रोड़ा बनते हो, तुम्हारा भी रोड़ा कोई ना कोई बनेगा, ये बिल्कुल निश्चित बात है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आगे चलो, क्यों मुख बना नरक की खानी, आगे पढ़ते जाओ, दुर्गंधी ऐसी थान, जब बोले तब निकले सराइंदे, समझ जो चतुर सुजान। आगे, भाई से कर तब से जाए पड़ेगा नरक कुंड के तीर, नरक में जाएगा तू। आगे चल, जब बोले तब मीठी बानी, बानी अधिक सवाद। अब सुनो, नरक और स्वर्ग क्या है, नरक और स्वर्ग क्या है, मैंने तो देखा नहीं भाई, और ना मुझे पता है कि मैं देखूंगा, मुझे विश्वास है मेरे लिए कोई नरक स्वर्ग नहीं, क्योंकि मैं समझ गया बात को, नरक क्या है, नरक है बुरे विचार, और जमदूत क्या है, मुरे बुरे विचार। परमदया जी महाराज ने एक सत्संग में कहा कि हजारी सिंह एक आदमी था जो महाराज जी के साथ बहुत प्यार करता था, हजारी सिंह, और महाराज जी को बहुत ही प्यार करता था, और महाराज जी भी उनको अच्छा आदमी समझते थे, प्यार करते। उसके चाचे के गुदा पर फोड़ा हो गया, गुदा पर रेक्टम में नीचे फोड़ा हो गया, और वो असहनीय बात था, दुखी बहुत होता था वो, तो उसने बताया, उस चाचे ने बताया अब उसको हजारी सिंह को, कि दो आदमी आए और उसके सूक्ष्म शरीर को निकाल कर ले गए, और ले गए तो वहाँ कहाँ खड़ा किया कि वहाँ बहुत से सूक्ष्म शरीर और पड़े हैं, बहुत से जीव और पड़े हैं, तो एक काली कलूटी औरत उसके मुंह से आग निकल रही है और वो सबको खा रही है, बार बारी बारी उसको उठाया खा गई। तो हजारी सिंह का सूक्ष्म शरीर डरा कि इसने मुझे भी खा जाना है, उसने अपने भतीजे को, चाचा था ना वो, भतीजे को, हजारी सिंह ओ मुझे ले आए, ओ जल्दी आ, ओ मेरी मदद कर, बाबा की जू लेके आ, जल्दी लेके आ, ये उसने हजारी सिंह को कहा। तो हजारी सिंह पहुंच गया, हजारी सिंह ने बाबा फकीर जा गए, तो बाबा फकीर ने उसको कहा कि भाई इसको छोड़ दो, मेरा जीव है ये, इसको छोड़ दो, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब महाराज जी ने फिर इसके ऊपर बात कही, मैं अपनी भी बात आपको सुना चुका हूँ, जब मेरे पिताजी बीमार हुए थे वो भी मैं सुना चुका हूँ। तो हजारी सिंह ने वो उसको होश आ गई, उसने भी हजारी सिंह को सारी बात बताई,
तो हजारी सिंह ने बाबा फकीर ने कहा कि ये आदमी जो तेरा चाचा है इसके विचार बहुत गंदे हैं। हाँ, कहता जी ये गलती सोचता, जब भी सोचता था गलती सोचता था, किसी का अच्छा देख के खुश नहीं था, तभी तो फोड़ा हुआ मुरमुराधार में, और तभी वो खाने वाली भी बैठी मेरे सामने लग गई। तो अगर ऐसा इसका ना होता व्यवहार तो इसको वो खाने वाली नहीं मिलनी थी। एक बात, सनातन धर्म में मैं बचपन में गांव में रहा हूँ तो पता लगता था वो आदमी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया तो गाय लेकर जाते थे, गाय ले जाओ, वो गाय की पूछ उसको फैला देते थे एक मरने वाले को, कि गाय की पूछ फड़ा दी, और कोई बुजुर्ग होता था वो कोई पाठ करता था कि इसके प्राण निकल जाए तो गाय की पूछ पकड़ कर दे नरक से पार निकल जाएगा, ऐसा माना गया है। कोई गीता का पाठ सुनाता, कोई कुछ करता ऐसा, लेकिन किसी ने आकर बताया थोड़ी है, किसी ने कोई नहीं आके बताया कि वहाँ क्या होता है। अनुमान है, और संतों का अनुमान कभी गलत हो नहीं सकता, गरुड़ पुराण में सब कुछ लिखा है, मैंने पढ़ा है, और उसका आधा हिस्सा तो छप भी गया अंग्रेजी में, वहाँ इंग्लैंड अमेरिका में छप गया है, दूसरा हिस्सा तैयार हो रहा है वो भी छप जाएगा। हिंदी में महाराज जी ने खुद गरुड़ पुराण लिखा, वो मानवता मंदिर में है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, नर्क किन के लिए है, जिनके विचार गंदे हैं, जिनकी तमा बहुत ज़्यादा है, जो दूसरों को मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी दुखी करते हैं, उनके लिए नर्क है। और जो झूठ बोलते हैं, अत्याचार करते हैं और बुरा व्यवहार करते हैं, उनके लिए नर्क है। और गीता में, महाभारत में क्या लिखा है, हालांकि बुरा ना मानना मेरी बात को, सत्य है कि गीता भगवान कृष्ण किससे मुखार, अगर ये सत्य है, अगर ये सत्य, मैं ये झूठ कहूँगा, अगर ये सत्य है कि भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को ये संबोधित की है, तो फिर सारे पांडव नरक में क्यों गए, ये एक सवाल है। भगवान कृष्ण ने गीता का 18 अध्याय अर्जुन को सुनाए और उनके वो सारथी थे, तो मरने के बाद लिए वो पहाड़ों में गए और बर्फ में गल कर मर गए। और जब युधिष्ठिर जी गए धर्मराज के पास, तो धर्मराज ने कहा, धर्मराज को पूछा, मेरे भाई भाभी कहाँ हैं, कहते वो नरक में हैं, जो महाभारत में लिखा है वो नरक में हैं, तुम में भी 2.5 घड़ी के लिए नरक जाना होगा। उनका महाराज क्या बात, कहते तुमने भी युद्ध में झूठ बोला, तुमने भी झूठ बोला, कब, जब युद्ध हो रहा था, अश्वत्थामा मरा ना जाना कुंजरो जा नर, और ढोल बज गए, तुमने झूठ बोल कर कहा था अश्वत्थामा मर गया, हालांकि कृष्ण ने कहाया उससे, तो तुमने झूठ बोला था, एक झूठ बोला जिंदगी में, तुम्हें भी 2.5 घड़े का नरक है। तो आज मेरे देश में कितना झूठ है, कितनी हेरा फेरी है, दूध में पानी, दालों में रोड़े, और तो चुगती चुगती थक जाती हैं, और सब्जियों को टीके लग रहे हैं, और दवाइयाँ भी डुप्लीकेट बिक रही मेरे देश में। तो फिर बताओ, नरक में तो जगह नहीं रहेगी भारतीयों के लिए, कहीं वो कहीं इनको समुद्र में जाकर डुबो देगा, जाओ वहाँ, तुम्हारे लिए नरक में भी जगह नहीं है। क्या कहा मैंने अवे कुमार, मैं बड़े दर्द से ये बात कह रहा हूँ, हम इस देश की मिट्टी को बर्बाद कह रहे हैं, जिस देश में बड़े बड़े संत पैदा हुए, जहाँ बड़े बड़े गुरु साहिबान ने जन्म लिया, हमारे लिए लिख गए, हमारे लिए ग्रंथ लिख गए, और ऐसा एक हरि मंदिर बना गए जिसमें 4 दरवाजे हैं, सबके लिए खुले हैं, फिर भी देश में क्या हो रहा है, अब आप खुद अंदाजा लगा लो। तभी तो मैं कांप जाता हूँ कि क्या होगा आने वाले युग में, मानवता ही खत्म हो रही है।
कहीं मानवता नजर ही नहीं आती, क्या होगा? थिंक नॉट, भला करे मेरा मालिक, दया करे मेरा मालिक, मैं तो यही मांगता हूँ। ए मालिक, दया कर इस देश के लोगों के ऊपर, आप कृपा करो, नहीं तो कोई ऐसा पैदा होगा जो सबका कत्लेआम कर देगा, ऐसे लोगों को रहने नहीं देगा, ताकि बराबरी आ जाएगी। ऐसा आएगा फिर जो ऐसा भी आ जाएगा आगे। जब बोले तब निकले सरांद, बोलो ना काफी हो, समझ जो चतुर सुजान, भाई से कर्तव्य से जाए पड़ेगा नर के कुंड के तीर। आगे। जब बोले तब मीठी बानी, बानी अधिक सवाद, मीठी बानी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध श्री, मीठी बानी बच्चों को प्यार से बोलो, बच्चों में प्यार पैदा होगा, बच्चों को गुस्से से बोलो, थप्पड़ मारकर बोलो, तो वो भी बड़ा होकर गुस्से ही करेगा, वो भी प्यार का शब्द नहीं सीखेगा। उसको प्यार से समझा दो वो जल्दी पकड़ जाएगा, गुस्से से कहोगे तो वो ज़्यादा देर लगेगी, वो बिगड़ जाएगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। आगे करो। जब बोले तब मीठी बाणी, बाणी अधिक सवाद, उत्तम पुरुष की यह है रीति, राख धर्म मर्यादा। धर्म की मर्यादा यही है कि हमेशा मीठी बाणी बोलो, प्यार से बोलो, निस्वार्थ होकर बोलो। इसलिए नहीं मीठी वाणी बोलो कि थोड़ा मतलब निकल जाए, बगैर मतलब से सबसे प्रेम से बोलो। तुम कोई आगे से आदमी आ रहा है, मुझे कुछ सरदार मिल जाए रास्ते में, सर जी सत श्रीकाल, भाव जी सत श्रीकाल, की हाल है, और बच्चे ठीक खुश हो जाता। तो जे वो आवे जब तुम मुँह एनू कर लो तो फिर क्या होगा, थोड़ा ही नुकसान है, उदा तो फिर बिगड़ लो। नमस्ते करने में कोई नुकसान नहीं है, सत श्रीकाल करने में कोई इंसान नहीं। मैं तो कोई मुसलमान भाई है उसको सलाम अलैकुम भी करने को तैयार हूँ, सलाम भाई सलाम, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। सलाम भी उस मालिक को, सत श्री अकाल, सत कौन है? श्री अकाल, वो जो काल से परे रहने वाला वो सत है। इसलिए जब आपको सत श्री अकाल भाई मिलने वाले, वो अकाल ही सत्य है, ना तू सत्य है ना मैं सत्य हूँ, मेरी बात समझ गए? बाकी नमस्कार कर लो, राम राम करो, जो मर्जी कहो, लेकिन प्यार से तो कहो। प्यार से क्यों नहीं कहते? मुझे याद आई एक बात, बुजुर्ग थे आदमी, बुजुर्ग मुझे, वो सैर करते कभी कभी मिलते, एक दिन मुझे रोक लिया मुझे, कमल जी आपसे बात करनी, मैं कहते करो जी, कहता गुरु ग्रंथ जी महाराज में, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में राम का शब्द कोई उन्होंने दस्या इन्ने बारी आया, इन्ने बार आया राम का शब्द, तो सरदार साहब राम नू क्यों नहीं मानते? सरदार साहब जो है वो राम को क्यों नहीं मानते? मैं क्या जिजवी, उस नाम जिजवी था, मैं क्या जिजवी साहब आपको शायद पता नहीं, जिन्होंने जे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की वाणी लिखी है वो राम को तुमसे भी ज़्यादा मानते थे, तुम नहीं मानते उतना जितना वो मानते थे। कहते वो कैसे? मैं को वो ऐसे साधो रचना राम बनाई, ये भी वहाँ लिखा है, तो किस राम ने रचना बनाई जो सब में रमा हुआ है? बताओ तो वो दशरथ का बेटा था, मैं उसको सवाल किया कि जो सब में रमा हुआ है वो दशरथ का बेटा था या दशरथ का बेटा है? वो राम तो ये है जो मैं आपको बताता हूँ, जिसको उन्होंने लिखा है, बार बार लिखा है। तुम किस भ्रम में पड़ गए हो कि इतनी बड़ी राम राम वहाँ आया लेकिन ये मानते नहीं? मैं कहता तुमसे ज़्यादा मानते हैं वो, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम एक सबसे न्यारा।
वो उस राम को मानते हैं, तुम किस किस चक्कर में पड़ गए हो, तुम किस अज्ञान में पड़ गए हो, तुम्हारे दिल में ये ऐसा बात क्यों आई है, तुम्हें राम का ही नहीं पता वो कौन सा राम है। इसलिए पहले राम समझो जो सब में राम, तुम में राम, मुझ में राम, उनमें राम, इसमें राम, सब में राम तो ही है। जो रमा हुआ है वो मंदिर में बंद नहीं है, तुमने मंदिर में बंद करके उसको अपना बना लिया। मैं सब में देखता हूँ को वो ही है, और गुरुओं ने भी सब में उसी को देखा। तुम इस बात को नहीं समझ सकते, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। आओ इस बात को समझने की कोशिश करो, आगे चलो। पहनो सवर सिंगारे के तन पर सील भाव की चीर। और सील कहते हैं दाता दयाल, सील भावना को, सील मैंने सहनशीलता, सहनशीलता का वस्त्र पहन लो। किसी ने बुरा कहा तेरा भला हो, देनी के नेले पर देला मारना, तो तू इट मारी तो मैं पत्थर मारना, नहीं, सहनशीलता में आ जाओ। उसको अपना फल मिलेगा, तुम्हें अपना फल मिलेगा। कितना भी कोई गुस्सा करता है उसको करने दो, एक दिन करेगा, दो दिन करेगा, तीन दिन करेगा। मुझे किसी औरत ने कहा, महाराज मेरा पति बहुत गुस्सा करता है। मैं क्या दफ्तर से आकर करता होगा ना, तो हाँ जी दफ्तर से। मैं क्या आते ही तूने कभी उनको पानी दिया गिलास, कहते नहीं जी। मैंने कहा कभी आपने पूछा कि बाबूजी आप चाय पियोगे या कॉफ़ी पियोगे, कहती नहीं जी। मैं कहता फिर मेरी गल सुन ला ध्यान ना, जदों वो आन गड्डी खड़ी करके आन तो पानी के गिलास ले आके बैठन, सर पानी पी लो पापा, काके दे पापा जी पानी पी लो। हूँ तो ना ही ले लैनी है, हूँ तो काके दा पापा कोई भी नहीं कहनी, काके दा पापा पहले कहने से मुन्ने दे पापा पानी पीना कि नहीं पीना, यह कहनी है। हूँ तो कोई ना ही सीधा ना, उन्होंने कहता बैठो पानी का गिलास पियोगे, पानी तुझे पानी दिता आदमी पहले ही बस शांत हो जाएगा, फिर पूछो चाय पियेंगे कि कॉफ़ी पियेंगे, और जरूर मनेगा हाँ चाय का एक प्याला बना दो, थका हुआ है चाय दे दो। ले हाल ही बदल गया, माहौल ही बदल गया। और तुम आने के नहीं, 5 बजे की छुट्टी हुई, 6 बजे कितने थे फिर दे सी तुम, हूँ तक कितने रहे तो मैं क्या तुम तो आगे ढा लैनी हाँ, तो कितना गुस्सा नहीं आएगा, करके देख। मेरे पास इतने 2 लड़के लड़कियाँ आ गए नौजवान, अब महीने 2 महीने की गल हो गई। महाराज जी उधर आ गए पहला, महाराज जी आए असि, मैं क्या मैं समझ गया तुम को अपने लैके आए हैं ना सेब, तुम प्रसाद लैन आए हैं, मैं सत्संग तो बाद आना, इतने आ गए, इतने बह गए सत्संग ही चले गए। मैंने कहा तुहाड़ी माँ हैगी, सस हैगी कुड़ी है, हाँ जी, तुहाड़े सहुरा हैगा, हाँ जी। मैं कहा तुसी मेरे तो प्रसाद लैन आई हाँ, मेरे नाल ज़्यादा प्रसाद है तेरे घर दे नाल ही, तेरी सस है, तेरा सहुरा, तू उन्हू कभी मत्था टेकया, तू कभी उन्हू सेवा की कोई, कभी नहीं जी। तो मैं कहा मेरे को की लैन आए हैं, महाराज दया करो। मैं कहा दया कर दिना, मैं आप ये मेरे से वादा करो कि तुम कल से सुबह उठकर अपनी ससुर माँ के पाँव छुओगी, अपने ससुर के पाँव छुओगी। तू भी सुन लाओ भाई, तेरे माँ बाप है, तू उन्हें सेवा करेगा, चुप नहीं बोले। दोबारा पूछा मैंने, नहीं बोले। तीसरी बार कहा कि माँ बाप की सेवा करेगा, नहीं बोले। मैं कहा उठे चल जाओ, मैं प्रसाद नहीं दूंगा। लकी शायद जानता है जान, ये लड़का खड़ा था जान, चले जाओ तुम, हम मेरा प्रसाद तुम्हें नहीं दे सकता, तुम कृतघन हो, कामी तरे, क्रोधी तरे, पापी तरे, अनंत आन उपासक कृतघन तरे ना नाम रतंत। कबीर साहब ने फैसला कर दिया, पापी तर जाएगा, क्रोधी भी तर जाएगा, क्योंकि उसने माना कि मेरा कोई मालिक है, माफी मांग लेगा। लेकिन कृतगन जिस माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया, बड़े किया, अपनी छाती का खून पिलाया, तुसी उन्होंने धक्का दे दिता, तो तुम्हें किड़ा रब आके दे दूंगा आशीर्वाद, चले जाओ। बात समझे, आन उपासक कौन होता है, जो दूसरे की पूजा करता है।
दूसरे की पूजा करने वाला आन पर सके, जो कुछ है वो तुम्हारे अपने अंदर है, उसकी पूजा करो, उसको देखो तुम कौन हो। ये कहते हैं संत, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूँ, तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया। ये दाता दयाल जी महाराज कहते हैं, कभी से वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब इससे परेशान तो और क्या कहें, फिर भी तुम दौड़े हुए हो, फिर भी तुम भटके हुए हो, क्यों नहीं अपने मन को संभालते, क्यों नहीं घर में बैठते, क्यों नहीं हलाल की कमाई करके खाते। तुम्हारे घरों में लक्ष्मी का डांस होगा, तुम्हारे घरों में लक्ष्मी। अरे तीन देवता जब शुरू में ये शुरू हुआ ना हमारा सनातन धर्म आरंभ में सतयुग में, तो केवल तीन चीजें बताई उस वक्त के ऋषियों ने, उस वक्त के जनता को समझाया कि तुम अगर धन चाहते हो तो लक्ष्मी का फूल मूर्ति बना दो, लक्ष्मी लक्ष्मी की पूजा करो, तुम्हारे लक्ष्मी मिल जाएगी। मेरी बात समझ गए, ये आरंभ का जो मैं बता रहा हूँ सतयुग की बात बता रहा हूँ। अगर तुमने युद्ध लड़ना है, लड़ाई लड़नी है, तो फिर तुम दुर्गा की पूजा करो, तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। और अगर तुमने ज्ञान प्राप्त करना है, सतोगुणी बनना है, अंदर का ज्ञान प्राप्त करना है, तो सरस्वती की पूजा करो। बस तीन थे, देखो कितनी ऊंची बात कही हुई उन्होंने। आज वो तीन देवतियाँ की, आज तो पता नहीं देवियाँ पता नहीं कितनी है कोई पता नहीं लगता, और कितनी देवियाँ कहाँ, कोई देवी कोई कोई देवी कहीं कोई देवी कोई कोई देवी। अब तो हमारा ख्याल ही खराब हो गया, क्या कहा मैंने। तीन चीज़ें हैं बस, लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, लक्ष्मी की पूजा, ताकत चाहिए, दुर्गा की पूजा। क्योंकि युद्ध लगते थे, अब तो ताकत की जरूरत ही नहीं है, अब तो युद्ध क्या है, घर ही बैठे इतना बटन दबाओ 100 आदमी मार दो, आप कहाँ लड़ना, तलवार की तो लड़ाई चले गए। और सरस्वती, जो हम कॉलेज में जब फंक्शन करते थे, बड़ा यूथ फेस्टिवल होते थे, तो सरस्वती की फोटो लगाते थे ऐसे सितार हाथ में, सरस्वती इधर भी फोटो इधर भी, उस स्टेज के ऊपर सारा काम करते थे। बात समझ गए, लेकिन आज हम गुमराह हो गए, भटक गए हम, बहुत बुरी हाल है हमारे देश की, क्या मैं आपको बताऊं, हम टुकड़े टुकड़े हो गए, टुकड़े टुकड़े इंसान नहीं गए, हमारा टुकड़ा टुकड़ा हुआ हुआ है। आगे चलो। आया जब राधा स्वामी मत में निंदा कुर्बानी क्या। अब कहते राधा दयाल तू राधा स्वामी मत में आ गया, बाबा फकीर दे डेरे च आ गया, ते निंदा छोड़ दे, बुरा बोलना सोच दे, तेरा भला होगा। आगे। गाता रहे आनंद हर्ष से सब का मंगल राग, बस फिर मंगल का राग गाओ, खुशी के राग गाओ, खुशी रहो, आनंद में रहो। ये दाता दयाल जी ने कहा, ये तो मैंने आपको मान वचन की बात सुना दी, अब आ गया कर्म, तीसरी बात सुना देता हूँ, ताकि तुम्हें आखिरी जो मन भी सुना दिया, वचन भी सुना दिया, वचन क्या करता है, मन क्या करता है, हम दोनों से कर्म करते हैं। अब है तीसरा, जो हम कर्म करते हैं, जो नजर आता है, नजर आता है कर्म, जो हाथों से करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं, ये भी तो बुरा कर्म है ना, कम तोलते हैं ये भी बुरा कर्म है, झूठ बोलते हैं ये भी बुरा कर्म है, हेरा फेरी करते हैं ये भी बुरा कर्म है, ड्यूटी नहीं पूरा करते ये भी बुरा कर्म है। बात समझे, मैं तो अगर कोई टेलीफोन मुझे आता है पूछ लेता हूँ, आप क्या काम करते हैं, सर मैं ड्यूटी पर हूँ, टेलीफोन बंद कर, सरकार के टाइम में मेरे से बात मत कर, 5 बजे के बाद बात करना, मेरी बात समझ गए। तो ये सुनने वाली बात है, मानने वाली बात है, चलने वाली बात है, अपना टाइम अपना यूज़ करो, सरकार का टाइम मत यूज़ करो। बात समझ गए। अब रहा कर्म, हम क्या करते, एक मिसाल दे देता हूँ तुम्हें कि एक सदना भक्त हुआ, वो कसाई था, कसाई जानते, बुचड़ बकरे काटने वाला, लेकिन वो आम बकरे नहीं काटता था, वो बादशाह का बुचड़ था, बादशाह का। तो बादशाह, अब तुम जानते, वो लोग तो मांसाहारी होते थे,
और शिकार खेलते थे। तो एक दिन उस राजा के घर लेट आए कोई उसके मेहमान, लेट आ रहा है मेहमान, तो रसोई बंद हो चुकी थी। तो उन्होंने पूछा, महाराज खाना? कहते भी सारा दिन जंगल में घूमते रहे, अब लेट हो गया, सोचा आपके पास ही चलते हैं, रात यहीं ठहरेंगे, खाना खाएंगे। तो सदना किसी को मैसेज भेजा गया कि 5 आदमी आए हैं भाई, 5 आदमियों के लिए या 10 आदमियों के लिए तुम मांस काट कर भेजो। वो अपने जहाँ बाड़ा होता था बकरी को रखने का, वहाँ गया, तलवार हाथ में रखी और सोचा, मारने लगा बकरा। तो ख्याल आया कि अगर मैं इसको अभी मार दिया तो उनको तो 5 या 6 किलो चाहिए, ये 20 किलो का मेरा जानवर है, मेरा 20 किलो का नुकसान हो जाएगा, राजा तो सुबह लेगा नहीं, मुझे फेंकना पड़ेगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो उसने सोचा मन में, मन तो बड़ा जालिम है ना, इसकी एक टांग काट देता हूँ, टांग काट के टुकड़े करके भेज दूंगा, उनका गुजारा हो जाएगा, इसको सुबह इसका सिर कत्ल कर दूंगा, और क्या ये भी बच जाएगा, मेरा भी काम चल जाएगा। कहते जब उसने तलवार उठाई, ये लिखा है कहानी सत्य है, तलवार उठाकर उसकी टांग पकड़ी बकरे की, तो कहते बकरा हंसा, ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं इसको उल्टा कहूँगा कि सदने की अपनी आत्मा अंदर से बोल गई, उसके अंदर भी आत्मा है ना, क्या कहा कि देख ले तूने मेरे पता नहीं कितनी बार सिर काटा है और मैंने तेरा सिर काटा है, आज तू नया काम करने लगा है, मैं भी तेरी ही टांग काटूंगा, दे देख ले। जब ये आवाज आई तो सदना ने तलवार छोड़ दी, राजा का काम छोड़ दिया और संत बन गया, और संत बन गया। ये मेरी कहानी सुनाने का क्या मतलब है, कृप ये कि कर्म प्रधान है, जैसा कर्म तुम करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा मिलेगा मिलेगा। कोई संत किसी का कर्म नहीं ले सकता, कोई महात्मा किसी का कर्म नहीं ले सकता। अगर तुमने बचना है अपने कर्म से तो उसका तरीका बताया मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने, वो तरीका सुन लो। जो कुछ भी हम करते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, या हाथ से कर्म करते हैं, या मन का विचार करते हैं, वो हमारे यहाँ पर फिल्म बनती जाती है, यहाँ हमें नहीं पता, यहाँ फिल्म बन रही है। बहुत से कर्म ऐसे हैं जो स्वप्न में कट जाते हैं, बहुत से कर्म ऐसे हैं जो स्वप्न में कट जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, वो मैं बताता हूँ कैसे हुआ। मैं धर्मशाला में था, 1970 की बात है, 1970 की बात है, तो महाराज जी ने आना था, उससे पहले की सर्दियों की बात, मैं सोया हूँ, बच्चे मेरे पास नहीं थे, तो रात को बड़ा सांप आया और उसने मुझे यहाँ से काटा, यहाँ से, और जैसे उसने काटा तो मुझे बहुत दर्द हुई, तो मेरा ये हाथ उठकर यहाँ आ गया, जा ओ मेरे सांप लड़ गया, मैं उठा और सबसे पहले लाइट जलाई, बड़ी मुश्किल से लाइट जलाई, फिर देखा यहाँ सांप तो लड़ा ही नहीं, है ही नहीं, तो दर्द हो रही है, अभी भी दर्द हो रही थी। तो फिर देखा कि ताकियाँ बंद है, बाहर बारिश हो रही है, सांप कहाँ से आ गया, लेकिन मुझे दर्द हुई बहुत ज़्यादा। तो परमदयाल जी महाराज आए, तो मैंने पिताजी से कहा, पिताजी मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे बहुत तकलीफ हुई रात को। कहते बेटा देखो, तुम मेरे से लगे हुए हो ना, प्यार करते हो, तो ये तेरे जन्म में लड़ना था सांप ने, इसने लड़ना था, लेकिन तेरा वो कर्म जो था वो सपने में कट गया। बात समझ गए? अब मैं दूसरी बात करने लगा हूँ कि जब ये नाम जो दिया जाता है, नाम मन से सिमरन करते हैं ना, मन से, तो मन से सिमरन जहाँ हम करते हैं, यहाँ से करते ऊपर को चलते हैं, और हमारा ख्याल भी ऊपर को जाता है, हमारा ख्याल भी ऊपर को जाता है, ये ख्याल यहाँ जमा होते रहते हैं। और जब हम, कबीर साहब ने कहा है कि नाम की कुदाली से अपने संस्कारों को काटो, जो संस्कार बन रहे हैं अंदर, तो अगर हम नाम जपते 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 जहाँ ठहर जाते हैं, तो क्या होता है
कि वो नाम जपने से वो जो अंदर हमारे फिल्म बनी होती है वो खत्म होती जाती है, वो खत्म होती जाती है और हमारे कर्म कटते जाते हैं। बात मेरी समझ गए? एक तो ये तरीका है कि आप स्मरण करते जाओ, अपने मन को यहाँ लगाते जाओ और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते जाओ, तुम्हारे बहुत से कर्म साफ हो जाएंगे या स्वप्न में कट जाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, जो बाकी कर्म रह गए अगर उससे भी बचना चाहते हो तो मन की दुनिया को छोड़कर आगे निकल जाओ, इस स्थान को छोड़ो। ये येलो रंग का, ये भूरे रंग का, या भूरे रंग का हमारा दिमाग है, यहाँ भूरे रंग की बनी हुई है अंतड़ियाँ, छोटी गुंझलदार बनी हुई हैं। जैसे आपने अखरोट देखा होगा ना, अखरोट की शक्ल का हमारा दिमाग है, तो इसलिए वो धीरे धीरे आप इसके अंदर से ऊपर चल जाओ, यहाँ चल जाओ, प्रकाश में चल जाओ, ऊपर चल जाओ। प्रकाश में जाओगे तो वहाँ मन है नहीं, जब मन नहीं है तो कर्म तो मन ने बन किए तो आप बच जाओगे। बात समझ गए? तो संतों का मार्ग हमें मन वचन और कर्म से बचने का तरीका बता गए कि ऐ इंसान, तू मन वचन और कर्म से शुद्ध रह, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। यूं ही डंडा लेकर सुबह शाम तड़के उठकर बैठ जाओ, उसका कोई फायदा नहीं होगा। बात मेरी समझ गए? तो मैंने आज बहुत लंबा आपको सत्संग दिया और जीवन जीने का तरीका बताया। मैं नहीं कहता कि तुम समाधियां लगाओ, मैं नहीं कहता कि तुम कानों में उंगलियां डालो। मकसद है जमीन, हमारी जिंदगी खुशहाल होनी चाहिए, चिंता मुक्त होनी चाहिए, निर्भय होनी चाहिए, निर्वैर होनी चाहिए, अडोल होनी चाहिए। तो काहे डोले प्राणियां, तेरा सदगुण रखन हार। आप ये वाणी है, गुरबाणी है, एक शब्द है बहुत बढ़िया, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठिर कर बैठो, ठहर जाओ, ठिर कर बैठो, हरजन प्यारे सतगुरु तुम्हारे का सुवारे, दुष्ट दूस परमेश्वर मारे, जन की पैर राखी करता रे। ठिर हो जाओ, एक जगह पर ठहर जाओ। मैं ठहर गया किस में? अपने सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज के रूप में, जो अब केवल प्रकाश और शब्द है और शब्द ही उनका आधार है और शब्द ही उनसे निकलता है, प्रकाश भी उन्हीं से निकलता है, वो ही करता धरता है। मैं ऐसा समझकर अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ और मैं तुम्हें भी भाग्यशाली समझता हूँ कि आप मानवता मंदिर में आते हो। यहाँ बिल्कुल सत्य बात कही जाती है, कोई लगाव पेट नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी सुख चाहिए, मुझे तुम्हारे मन में शांति चाहिए, मुझे आपके घरों में प्रेम चाहिए, मुझे आपके घरों में दौलत खेलते हुए नजर आनी चाहिए। बस यही मेरी इच्छा है, इसी इच्छा के साथ आप सब सुखी रहो। आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।